पंडित जी, अब आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न, किसी के भी जीवन में, क्योंकि हम नौकरी की बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आजकल तो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, आम समस्या है, तो नौकरी किसी के भी जीवन में कैसी होगी, कैसी आय होगी उसके जरिए, कौन सा ग्रह ये सब कुछ तय करता है, और क्या उसी ग्रह के लिए उपाय किए जाएं तो उससे लाभ होता है? देखो बेटा, इसमें बहुत सी बातें हैं, ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए बहुत सी बातें हैं। जैसे किसी आदमी की आजीविका को देखने के लिए ज्योतिष शास्त्र को पहली बात तो जान लो, 12 भागों में डिवाइड करके किसी व्यक्ति के जीवन को अध्ययन किया जाता है। उसमें जो तीसरा भाव होता है वो मनुष्य के पराक्रम का भाव होता है, और दसवां भाव जो होता है उसके आजीविका का भाव होता है। अच्छा। अगर व्यक्ति पराक्रमी होगा और अगर व्यक्ति उद्यमी होगा तो निश्चित रूप से वो नौकरी करे या व्यवसाय करे सुखी रहेगा। तो तृतीय और दसम भाव के जो स्वामी ग्रह हैं और उसमें बैठे हुए जो ग्रह हैं और उस भाव पर दृष्टि जिस ग्रह की पड़ रही है उसकी ताकत का अनुमान करना चाहिए। अगर वो बलवान हैं तो ऐसे आदमी की आजीविका निःसंदेह बहुत अच्छी होगी, और अगर वो निर्बल हैं, दीनहीन हैं और अस्त हैं, पीड़ित हैं, तो ऐसा आदमी जिंदगी भर ठोकरें ही खाएगा। तो किसी की जन्म कुंडली से उसके सफलता का रहस्य जानने के लिए अगर मोटे तौर पर एक सेकेंड में किसी को जवाब देना हो, अगले सेकेंड कुंडली सामने आई नहीं कि तुरंत बोलना हो कि इस आदमी का जीवन कैसा है और आदमी सामने प्रत्यक्ष ना हो, तो बस दसम और तृतीय भाव को तौल लीजिए और तुरंत आप उत्तर दे दीजिए, वो 100% सही होगा। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके आजीविका और पराक्रम का जो प्रदर्शन है वो तृतीय और दसम भाव से होता है। जिनकी भी कुंडली में तृतीय और दसम भाव मजबूत होता है, तृतीय और दसम और के स्वामी ज्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि पराक्रम का स्थान है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने देखा है, जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखाएं नहीं होती हैं और उनके हाथ में सूर्य रेखा और कर्म रेखा होती है, वो लोग ज्यादा सफलता का जीवन जीते हैं। कुछ लोगों के हाथ में भाग्य रेखा होते हुए भी बहुत स्ट्रगल करते हैं, अगर उनके हाथ में सूर्य रेखा नहीं है तो, अगर उनके हाथ में कर्म रेखा नहीं है तो, केवल अगर भाग्य रेखा है और सूर्य रेखा उसके लिए सहायक नहीं बन रही है या कर्म रेखा नहीं बन, देखो जैसे मेरा हाथ देख रहे हो, यहाँ से अगर रेखा निकलेगी या यहाँ से निकल कर रेखा नीचे आएगी जीवन रेखा के पास, तो ये भाग्य रेखा कहलाएगी। लेकिन अगर चंद्र पर्वत से शुरू होकर के यहाँ से शुरू होकर कोई रेखा भाग्य रेखा की तरह जाएगी तो ये कर्म रेखा कहलाएगी। ऐसा आदमी सेल्फ मेड होता है, अपने से अपने जीवन का निर्माण करता है, और ये अनामिका उंगली के नीचे जो ये धंसा हुआ भाग है ये सूर्य रेखा का स्थान है। यही रेखा इस बात को निश्चित करती है कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान कितना विद्वान और कितना समय को आंकने वाला है। जिन लोगों के हाथ में ये रेखा कटी फटी होती है उन्हें बदनामी का शिकार होना पड़ता है, जिन लोगों के हाथ में ये रेखा दूषित होती है उनकी शिक्षा अपूर्ण हो जाती है, और जिनके हाथ में ये रेखा प्रबल है वो चाहे एक भी न पढ़े हों, मस कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, कबीरदास की तरह कागज और कलम न छुए हों लेकिन वो विद्वान उच्च कोटि के ही होंगे, इस रेखा का ये भी प्रभाव है। तो तृतीय दशम के साथ साथ सूर्य का भी अध्ययन करना चाहिए, मेरे ये हस्तरेखा बताने का। तो फिर एक और छोटी सी चीज बता दीजिए पंडित जी, तो वो पराक्रम भाव वो खूब जागृत रहे उसके लिए भी तो कुछ किया जा सकता होगा। हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता है, पराक्रम भाव का जो पराक्रम भावेश ग्रह है उसको मजबूत करने के लिए उस ग्रह के मंत्र जप और उसका अधिष्ठात्री देवता कौन है, उसका अधिष्ठात्री देवता कौन है, जैसे सूर्य अपना अधिष्ठात्री स्वयं है, चंद्रमा के अधिष्ठात्री देवता शिव हैं, मंगल के अधिष्ठात्री देवता, तो यानी सूर्य की उपासना। हाँ, ऐसे लोग जो पराक्रम में अपने वृद्धि चाहते हैं उनको सूर्य उपासना करनी चाहिए, सूर्य उपासना करनी चाहिए और गायत्री का अनुष्ठान करना चाहिए। अच्छा। सूर्य की उपासना और सनातन धर्म में एक बड़ा जरूरी काम सबके लिए कहा गया है, प्रातः संध्या सायं संध्या। ये प्रातः सायं संध्या क्या है,
सुबह सूर्योदय के समय उठकर नहाकर तैयार हो जाइए और सूर्य को अर्घ दीजिए और कम से कम 108 बार गायत्री बोलिए, ये प्रातः संध्या है। इसी तरह से सायं भी किया जाता है। इतना बेहतरीन पंडित जी विश्लेषण और जानकारी, मुझे नहीं लगता किसी भी कार्यक्रम में लोगों को, और सीधा सीधा एक पाथ आपको वो रास्ता मिल पाता है कि किस रास्ते के जरिए हो करके आप, अगर आपके जीवन में बुरा वक्त भी चल रहा है उसको भी दूर कर सकते हैं। इसलिए हम आपको कहते हैं कि ये बहुत ध्यान से सुना कीजिए, सिर्फ देखा मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपको जीवन के बदलने वाले तमाम उपाय पंडित जी बताते हैं।